नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर एक मिनट के मौन से इजराइल पूरी तरीके से बौखला गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए ईरानी राष्ट्रपति के लिए दुनिया भर के नेताओं और संस्थाओं ने शोक जताया। वहीं जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में इब्राहिम रईसी की मौत पर एक मिनट का मौन रखा गया, तो इस दौरान इसराइल को इतना गुस्सा आ गया कि इसराइल ने सुरक्षा परिषद को ही वैश्विक शांति के लिए खतरा बता डाला। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में इजरायली प्रतिनिधिमंडल गिलाड एडन ने कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के राष्ट्रपति के लिए एक मिनट का मौन रखा जा रहा है। सुरक्षा परिषद का अगला कदम आखिर क्या होगा? क्या अब हिटलर की पुण्यतिथि पर भी मौन रखे जाएंगे? ऐसा इसराइल की तरफ से कहा गया। यही नहीं, इसराइल के अधिकारी इतना भड़क गए कि उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद खुद वैश्विक शांति के लिए एक खतरा बन चुका है। बताया जा रहा है कि मीटिंग हॉल के बीच में गिलाड एडन एक पोस्टर लेकर खड़े हो गए, जिसमें इब्राहिम रईसी को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। यही नहीं, इसराइल के अधिकारी ने कहा कि जैसे हालात हैं उस तरह से तो क्या अगली बार हिटलर के लिए मौन रखा जाएगा? इसराइल के प्रतिनिधि ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि संस्था ने इसराइल के बंधक बनाए लोगों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आज ऐसे लोगों के लिए सिर झुकाया जा रहा है जो हजारों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, यानी इब्राहिम रईसी के लिए ऐसा कहा गया। इसराइल ने कहा कि ईरान ने तमाम देशों में हजारों कत्ल कराए। ऐसा लगता है यूएनएससी ही वैश्विक शांति के लिए अब खतरा बन गई है, क्योंकि ईरान की ओर से जो कत्ल कराए गए हैं वो अब यूएनएससी को नहीं दिखता। यानी इसराइल ईरानी राष्ट्रपति के लिए जब मौन रखा गया, यानी इसराइल ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस ईरानी राष्ट्रपति के लिए मौन रखा जा रहा है वो कई मुल्कों में लोगों पर जुर्म कर रहा है, और उसके प्रति आखिर क्यों संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं, आखिर दुख जाहिर क्यों किया जा रहा है। फिलहाल अभी ईरान इसराइल का युद्ध चल रहा है और इसराइल ईरान को खत्म करना चाहता है, वहीं ईरान भी इसराइल के अस्तित्व को मिटाने की बात कह रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ईरान और इसराइल के बीच चल रही तनातनी की वजह से पूरी दुनिया पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, वहीं ईरान और इसराइल कभी दोस्त हुआ करते थे। दोनों देशों के एक दूसरे पर किए जा रहे हमलों के बीच और इन दोनों देशों की दुश्मनी के बीच आपको इन दोनों देशों का इतिहास जानने की जरूरत है, और आपको समझना होगा कि आखिर कैसे ईरान और इसराइल की इतनी दुश्मनी बढ़ गई। आमतौर पर दो देशों के बीच विवाद की शुरुआत तभी होती है जब दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हों और उनमें अपने अपने एरिया समेत कई पहलुओं को लेकर अनबन हो। लेकिन ईरान और इसराइल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सालों से दोनों देश एक दूसरे के साथ शैडो वॉर लड़ते आ रहे हैं। लेकिन ये जानना भी कम अजीब नहीं है कि जो ईरान और इसराइल इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनके रिश्तों की शुरुआत कभी दोस्ती से हुई थी। 1948 में इसराइल के वजूद में आने के बाद उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दुनिया के ज्यादातर देशों ने तब इसराइल को मान्यता देने से ही इनकार कर दिया था। खास तौर पर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इसराइल के सख्त खिलाफ थे। लेकिन तब ईरान ने ही इसराइल को मान्यता दी थी। तब ईरान में यहूदियों की भी अच्छी तादाद थी। मान्यता मिलने के बाद इसराइल ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू की और ईरान ने बदले में इसराइल को तेल देना शुरू कर दिया। रिश्ते कुछ इतने अच्छे हो गए कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने टेक्नोलॉजी से लेकर ज्वाइंट ट्रेनिंग तक किए। लेकिन ईरान में आयतुल्ला खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत क्या हुई, इसराइल के साथ ईरान के रिश्ते खराब होने लगे। खुमैनी ने अमेरिका और इसराइल को शैतानी देश कहना शुरू कर दिया और मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लगे। 1989 में ईरान पूरी तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बन चुका था और इसी के साथ इसराइल के साथ ईरान के रिश्ते खत्म हो गए, यानी दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई। एयर रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर भी विराम लग गया। तेहरान के इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया, और तो और दोनों देशों ने ही अब एक दूसरे को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। यानी अब इसराइल ये कहता है कि ईरान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, और ईरान भी ये कहता है कि इसराइल का कोई दुनिया में अस्तित्व ही नहीं था। यानी एक दूसरे देश आपस में किसी को भी मान्यता नहीं देते, और तो और दोनों देशों ने ही अब एक दूसरे को मान्यता देना ही बंद कर दिया।
ईरान ने पहले तो इसराइल को मान्यता दी थी, लेकिन बाद में वो कहने लगा कि इसराइल ने फिलिस्तीनियों का हक मारा है, तो इसराइल ने भी इस्लामिक रिपब्लिक को मानने से इनकार कर दिया। आगे चलकर रिश्ते तब और खराब हो गए जब ईरान ने इसराइल के विरोधी सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। 80 के दशक में इस्लामिक जिहाद नाम से आतंकी संगठन का ईरान ने खुलकर सपोर्ट किया, जो फिलिस्तीन के नाम पर ईरान से टकरा रहा था, और फिर तो तनाव और दुश्मनी की कहानी लगातार आगे बढ़ती रही। यानी ये कहानी दो दोस्तों की दोस्ती और उनकी दुश्मनी की है। दोस्ती 31 सालों की और दुश्मनी 45 सालों की। ये दुश्मनी अब भी जारी है, बल्कि यूं कहे ये दुश्मनी अब इस हद तक बढ़ गई है कि इन दोनों के बीच जंग की शुरुआत हो गई है, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2024 को यानी इसी साल शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसी दिन वो आहट ईरान और इसराइल के साथ दुनिया ने देखी कि किस तरीके से ईरान और इसराइल के बीच जंग की शुरुआत हुई। क्योंकि इसी दिन वो तस्वीरें आई जब ईरान की तरफ से दनादन मिसाइलों को दागा गया, जिसके निशाने पर इसराइल था। ईरान लगातार मिसाइलें दागता जा रहा था और इसराइल उन मिसाइलों को अपने आयरन डोम सिस्टम की मदद से रास्ते में ही चुन चुन कर राख करता जा रहा था। और अब जब रईसी की मौत हो गई है, तब भी ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि जिस तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग में इसराइल ने ईरान के लिए किया और रईसी की मौत पर मौन रखने पर हंगामा किया, वो बता रहा है कि कैसे ईरान और इसराइल का युद्ध आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि इस जंग में एक तरफ इसराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे ताकतवर पश्चिम देश होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे पड़ोसी देश। इन दोनों खेमों की तुलना करने पर सैन्य ताकत में बेशक ईरान इसराइल पर भारी नजर आता हो, लेकिन इसराइल को पश्चिमी देशों का साथ है और वो खुद एक मजबूत न्यूक्लियर पावर है, इसलिए दोनों ही देश हार नहीं मानने वाले, जिसका नतीजा पूरी दुनिया को आगे आने वाले समय में भुगतना होगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।